कमियां किस में नहीं होती। जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो कई बार सोचती हूँ कि मेरे पास तो सब कुछ होते हुए भी कुछ तो कमी है, जो कई बार काम पूरा ना होने पर मैं निराश हो जाती हूँ। आप भी हो जाते होंगे। कहते हैं ना, हर किसी के अंदर एक ताकत भी होती है और एक कमजोरी भी। कुछ लोग कमजोरी से डर कर घुटने टेक देते हैं, तो कुछ लोग अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाकर जंग जीत लेते हैं। चलिए ऐसे ही एक शख्स से आज हम आपको मिलाते हैं। नाम लकीचंद मोटवानी। बचपन से ही एक अविकसित हाथ के साथ उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और ना ही वो कभी इसे लेकर निराश भी हुए, बल्कि वो तो इसे शुरू से ही अपनी ताकत बनाना चाहते थे। स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने अलग अलग कामों की शुरुआत की। कभी मसाले बनाने का काम, तो कभी बेचने का काम शुरू किया, तो कभी गोला बनाने से लेकर ऐसे कई काम करते करते उन्होंने शुरुआत की छोला राइस की। वैसे देखा जाए तो नागपुर अपने तर्री पोहे के लिए काफी जाना जाता है और लोग इसे खूब पसंद भी करते हैं। लेकिन लकी जी ने इसे थोड़ा हट कर सोचा। उन्होंने छोला राइस, जो कि दिल्ली जैसे शहरों में खाया जाने वाला फूड है, उसे नागपुर में शुरू किया और इंटरेस्टिंगली लोगों को ये काफी पसंद भी आने लगा। और तब से लकी मोटवानी को SSD छोला राइस के नाम से जाना जाने लगा। वो कहते हैं कि काम चाहे जो भी हो, लगन के साथ किया जाए तो सफलता तो जरूर मिलती है। आज शहर में ऐसे कई छोला राइस सेंटर्स खुल चुके हैं, लेकिन इनके छोला राइस की बात ही निराली है। मानेंगे ना आप सभी नागपुर कर? तो चलिए आपको मिलवाते हैं लकी चंद मोटवानी से और करते हैं उनसे कुछ खास बात। वीकेबी स्पेशल रियल हीरो के आज के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक और ऐसे रियल हीरो जिन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इन्हें नागपुर के छोला राइस स्टार के नाम से जाना जाता है, छोला राइस इनके नाम से जाना जाता है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। लेकिन 15-16 साल की जर्नी है और वो यहाँ पर इस टाइम तक इतना ज़्यादा रश होता है उनके पास कि दूर दूर से लोग छोला राइस स्पेशली खाने के लिए आते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। मैं आपका नाम? मेरा नाम लकी चंद मोटवानी है और मेरे को ये छोला राइस लगाए हुए हो गए 15-16 साल हो गए। और पूरी ज़िंदगी तो मेरी तो यही लाइफ जो है इसमें ही आई है, होटल लाइन में। और बाकी ये छोला राइस और पोहा जो बेचते बेचते मेरे को 15-16 साल हो गए। छोला राइस एक्चुअली क्या है, इधर छोला राइस का आइटम नहीं था और ये जो अपना सिंधी डिश है तो करके नहीं था, तो मैंने चालू कर दिए। और चालू किए तो लोगों को पसंद आया तो ऐसे ऐसे करके बढ़ते गए। पोहा ज्यादा चलता था, जी जी जी, छोला राइस का जो नया कहीं ना कहीं यहीं से जेरी पटका से शुरू। जी 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 जी, ये छोला राइस जेरी पटका से शुरू हुआ है, वैसे ये सिंध प्रांत का आइटम है। छोला राइस सवेरे तो पुआ सबको ही खाता है और राइस का आइटम इधर था नहीं, तो मैंने वो जो है ना, मतलब जो सवेरे जो टेस्ट होना उसके हिसाब से मैं जो है ये बन मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में जो नाश्ता होना वो हिसाब से ये बनाया मैंने। नहीं नहीं नहीं, यही अभी फिलहाल मैं बोला स्टार्टिंग करूं तो इसमें ही फुर्सत नहीं मिलती, तो अभी दूसरा आइटम क्या बनाऊं मैं। कहीं ना कहीं जब आपने शुरू किया होगा, कहीं बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज रहते हैं, कहीं नेगेटिव रिव्यूज रहते हैं, लोग बहुत क्योंकि इतने कॉम्पिटिशन, इतने ज्यादा ठेले, इतनी सारी चीजें हैं, आपको किन कठिनाइयों? जैसे क्या रहता है, इंसान मजबूरी रहती है, कोई ज्यादा अपने को पैसे नहीं है, बड़ा दुकान नहीं लगा सकते, तो ये छोटा बिजनेस जो है यही लगाया और इसमें सफलता मिली भगवान ने दिए और अभी तक वही चलते आ रहे, करते आ रहे।
और लोग क्या होते हैं आजकल बच्चे जो हैं बड़े जो हैं कोई भी काम शुरू करते हैं कुछ अगर कठिनाई आती है तो बहुत मजबूरी में छोड़ देते हैं, इससे हमसे नहीं हो पाएगा। आपने वो नहीं कभी लेकर अब तक किया है? नहीं, तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नहीं वो कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए। क्या रहता है, हम जब तक कोई चीज करेंगे नहीं तो कुछ समझेगा नहीं अपने को, करना चाहिए कुछ भी काम, जब तक कोई काम करेंगे नहीं तो उसमें अपने को पता नहीं चलता। वही मैं कह रही थी कि बच्चे जो आजकल हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर छोटी छोटी परेशानियों को लेकर बड़े कमजोर से पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। आप इतने सालों से डटे पड़े, कई बार हुआ होगा, कभी नहीं चला होगा, कभी कुछ नहीं। नहीं हाँ हुआ ना, मेरे साथ भी हुआ ना, मैंने भी बहुत काम किए इधर, तो उसमें सब में सफलता नहीं मिली। मैं जैसे एवरेस्ट मसाला है, मैंने मसाले का प्रोजेक्ट चालू किया खुद का, तो उसमें क्या है जैसे मैं कम कैपेसिटी वाला हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो उसमें मेरे को नॉलेज तो मसाला बोले तो एवरेस्ट वाले से भी अच्छा बनाया। तो उसमें क्या है जैसे अपने पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ज़्यादा लागत नहीं लगा सकते, ज़्यादा ये जैसे टीवी एड नहीं कर सकते, तो उसमें क्या है मैं बंद ही कर दिया। मेरे को क्या है वो समझ में नहीं आया, और उसके बाद में मैंने डिस्पोजेबल का कारखाना डाला, वो डिस्पोजल का कारखाना भी वो फेल हो गया, समझे ना। ऐसे ऐसे में मैंने बहुत काम किए, गोले का काम किया, जैसे फालूदा आइसक्रीम का काम किए, बहुत काम किए मैंने। होटल लाइन में मेरे को बहुत नॉलेज है, बहुत मतलब क्या है यही आइटम अपने को भाग गया है तो हिट हो गया है, तो मैं इसमें फिट हो गया हूँ। हिट हो गया है इसीलिए ये छोला राइस इनके नाम से फिट हो गया है। मतलब कहने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ऐसे कई हैं कॉम्पिटिशन्स नागपुर में बहुत हैं, एंड एवरी डे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं नागपुर में खाने के लिए। पहले नागपुर सिर्फ तर्री पोहा के नाम से जाना था, लोग सिर्फ तर्री पोहा खाते थे, लेकिन अब तर्री पोहा के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास, इटालियन से लेकर इंटरनेशनल क्यूजींस भी अब आपको स्ट्रीट फूड के तौर पर मिलता है, और इसीलिए कहते हैं ना कि इनका छोला राइस उनके नाम से फिट हो गया है। आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो जो देख रहे हैं और वो एक इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? आज के बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के जो जो उनकी राय पे चले, माँ बाप जो भी सिखाते हैं अपने को या स्कूल में अपने को सिखाते हैं उन पे अमल करना चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे फालतू चीज़ें पे जो है जैसे भाई आपस में मिल के कुछ ऐसे अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए जिसमें आगे चल के अपने को प्रॉफिट मिले। किन किन लोगों का सपोर्ट रहा आप? मेरे को बस भगवान का ही सपोर्ट है और बाकी अपना एक हाथ। बिल्कुल सही कहा, कहते हैं ना किसी, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास हर चीज़ होनी चाहिए। मैं आज की जनरेशन को खासकर ये कहना चाहूँगी कि आज की जनरेशन कुछ काम करने से पहले बहुत सारी तैयारियाँ करती है, वो सोचती है कि हमारे पास हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, देन यू हैव टू स्टार्ट एंड देन यू कैन डू एनीथिंग, बट दैट्स रॉन्ग। आपके पास छोटी भी, वो कहते हैं, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि यू शुड फ्लॉन्ट योर फ्लॉज, आपको अपने फ्लॉज को फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप वो करना सीख गए ना तो देखिएगा आपको कोई भी चीज़ हासिल करने में तकलीफ नहीं होगी। ये है हमारे स्पेशल हीरो आज के इस एपिसोड में, देखते रहिएगा, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशल हीरो के साथ। तब तक के लिए दिस इज मीनाक्षी साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय। और अब आपको मिलवाते हैं फूड ब्लॉगर अभिनव जेसवानी से, जिन्होंने हमें लकी चंद मोटवानी से मिलवाया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। ये छोला राइस दर्शकों और आपके वजह से हिट तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ पीछे जो एक नाम है वो है फूड ब्लॉगर्स का। फूड ब्लॉगर्स नागपुर में बहुत सारे हैं और वो जो हैं एक कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, दे आर वर्किंग सो गुड। उसी में एक बहुत अच्छे फूड ब्लॉगर एंड ही इज़ द फाइनेस्ट फूड ब्लॉगर ऑफ नागपुर, ही इज़ अभिनव जेसवानी। शेयर देख के तो पहचान ही गए होंगे, दिन भर कहीं ना कहीं खाते हुए दिख ही जाते होंगे। तो अभिनव, तुम यहाँ के रेगुलर हो, कहीं ना कहीं तुम यहाँ के रहवासी भी हो आसपास, क्या कहोगे छोला राइस और स्पेशली इनकी जब बात आती? छोला राइस के लिए देखो ऐसा है, छोला राइस ना एक प्लान बना, फट से आओ छोला राइस खाओ, एकदम फट से स्नैक है कि रुकना नहीं पड़ता किसी चीज़ के लिए, ब्रंच फट से खाओ और निकलो। और इतना टेस्टी बनाते हैं ना यहाँ पे कि बस यहीं का ही खाने की इच्छा होती है और कहीं का खाने की इच्छा नहीं होती। टेस्ट 15 साल से बना हुआ है। डेफिनेटली मैं आ रहा हूँ, मेरे पापा के टाइम पापा भी आ रहे थे, मेरे को वो लेके आते थे, फिर मैं अब अकेले आता हूँ। तो
तुम्हारी नजर में व्हाट इज रियल हीरो? व्हाट इज अ रियल हीरो? जो कितनी भी कठिनाइयां हो फिर भी अपना काम करते रहे और उसमें ही आगे सक्सेसफुल हो। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और लकीचंद मोटवानी के इस हौसले और जज्बे को वीकेबी न्यूज का सलाम।